कौन है? बताइए ना ये कौन है? डॉक्टर साहब, ये कुछ लोगों को पहचान रहा है, कुछ लोगों को नहीं पहचान रहा है। देखिए, इन्हें 12 साल पहले के चेहरे याद हैं। नए चेहरे इनके लिए एकदम अनजान है। अब ये 8 साल के बच्चे की तरह बोलेंगे और बात करेंगे। नहीं रोहन, तुम बच्चे नहीं हो, 23 साल के होने जा रहे हो तुम, समझे ना? तुम बच्चे नहीं हो। बच्चों से हरकतें करना बंद करो। पद्मा, पद्मा संभालो अपने आप। के शुभ कदमों से वो उनको होश आया था, है ना? यही कहा था ना आपने मुझे? और ये तो काली छाया है जो हमारे घर पर पड़ी है। खुश हो गई तभी तुम्हारी? मेरे बेटे को सारत में पहुंचा कर चैन मिला तुम्हें? आज मेरे बेटे की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम हो। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। निकल जाओ, सुना ना तुझे, निकल जाओ यहाँ से। पद्मा, क्या कर रही हो ये? अरे छोटी बहू, ये क्या, ये दुख दुख नहीं है? हाँ, उसे दर्द नहीं हो रहा कि उसका पति ऐसी हालत? अरे कोई दर्द नहीं हो रहा है, अरे अंदर ही अंदर खुश हो रही हो गई। और सब कुछ डांट क्यों रही हो? प्लीज प्लीज, आप इन्हें बाहर ले जाइए वरना इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। पद्मा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, जाओ पद्मा, जाओ। मेरे आगे कोई नहीं, लेकर जाओ चीजें, मेरे पास जाओ चीजें। छोड़ेगा चले चीजें, मुझे संभाले अपने आप को। खाज गिरे, जब से राधिका ससुराल गई है सारा काम वो को ही करना पड़ रहा है। कनरिया को कहाँ भेज दियो सुबह सुबह? वो रहती तो कंस का मुरा हाथ तो बटाती। फोन करने के लिए भेजा है तोरी छोरी को, दामाद बाबू की हाल जानने के लिए। तुम भी गजब करते हो बाबा, बिल्ली को भेज दिया दूध खरीदने के लिए। का मतलब? अरे चंदा सिर्फ अपने देव बाबू के साथ बात करके आ जाएगी, जीजा जी की कोई खबर नहीं मिलने वाली है तुम्हें। मुझसे अब और काम ना होगा छेनू के बाबू। छेनू, जा चंदनिया को बुला के ला जा। चंदा को बुलाने के लिए पूरे 50 रुपए लूंगा अम्मा, और वो जब वापस आ जाएगी और काम करने से मना कर देगी, और वो जो काम मुझे करना पड़ेगा उसके पूरे 200 रुपए लूंगा। 250 रुपए देती हो तो मैं अपना कदम बढ़ाता हूँ, पढ़ना मैं भला और मेरी खाट भली। रुक, एक झाड़ू तो को लगाऊंगी ना। ठीक है बाबा, जीजा जी को होश आ गया। अरे इतना बड़ी अच्छी खबर है, पर एक बुरी बात हुई है। अरे क्या हुआ? वो मैंने फोन लगाया ना घर, तो दाई माँ ने उठाया, उन्होंने बताया कि जीजा जी को होश तो आ गया है और वो एकदम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। ऑटो और डॉक्टर का कहना है कि वो कब ठीक होंगे कुछ कह नहीं सकते।
और तो और डॉक्टर का कहना है कि वो कब ठीक होंगे कुछ कह नहीं सकते। हे भगवान, न जाने राधिका के ऊपर से ही दुखों का काया कब दूर होवेगा। छेनू के बापू, वो ये सोचो कि उनके परिवार पे इतना सब दुख आता रहा तो मैं अपने चंद्रा के ब्याह की बात तो करूंगी। क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? जब कोई चोट के बाद घर आवत है तो उका लाल पानी उतारा जाता है। पर हेमा, मुझे चोट कैसे लगी थी? कैसे लगी थी मुझे चोट? तो कुछ याद नहीं। मैं जब नींद से आंख खुला ना तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? तुम गिर गए थे रोहन? जरूर विराट भैया ने धक्का दिया होगा। धक्का दिया होगा विराट भैया ने? धक्का दिया होगा। दादाजी, दादाजी कैसे हो? दादाजी, आपके चक्के वाले कुर्सी में बैठ के क्या कर रहे हो? क्या हो गया आपको? तुम्हारे दादाजी बीमार है ना, इसीलिए। बाबूजी को अंदर ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। देव, 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 रह भैया, देव और रह भैया कहाँ है? रोहन, वो तो हमारे साथ नहीं रहते, बाहर पढ़ते हैं ना। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था, पता नहीं था मुझे। रोहन, तुम इसे देव कह सकते हो, ये तुम्हारे भाई जैसा है। मम्मी, तुम उसे बहुत बड़ा है, मैं इसके साथ कैसे खेलूंगा? कैसे खेलूंगा मैं इसके साथ? ऐसा क्यों कह रहे हो रोहन? सुन लिया, सुन लिया, मैं तुम्हारे साथ खूब खेलूंगा। पक्का? पक्का। मम्मी, ये आंटी कौन है? हेलो आंटी, माय नेम इज रोहन पुरोहित। व्हाट इज योर नेम? आप हमें भाभी बुला सकते हैं। नमस्ते भाभी आंटी। अच्छा तो मैं अपने रूम में जाता हूँ। रोहन, तुम्हारा कमरा ऊपर है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके चलता हूँ।
छोटी बहू का? मैंने उसे रोहन के सामने आने से मना किया है। क्यों? रोहन दिमागी तौर से बच्चा है, ऐसे में वो राधिका के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? अरे पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम छोटी बहू को कमरे में बंद रखेंगे, बाहर ही नहीं आने देंगे? मैं नहीं जानती जी। मैं जानती हूँ दादाजी, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपने मुझे देखा था जब मैं पहली बार इस घर में छुपकर आई थी। आपने मुझे तब देखा था जब देव बाबू ने मुझे बचाया था, और आज मुझे आप इस घर में रोहन बाबू की पत्नी के रूप में देख रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए दादाजी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर के भले के लिए ही कर रही हूँ। जी, मेरी कान्हा चाहते हैं कि मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाऊं। मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। पद्मा, छोटी बहू के प्रति तुम्हारा बर्ताव सही नहीं। आपकी छोटी बहू का पता नहीं, लेकिन मैं अपने रोहन के लिए जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। रोहन, क्या मेरा कुछ नहीं लगता? अपने बेटे की तरह मैं उससे प्यार करती हूँ। उसकी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख है, पर उसका मतलब यह नहीं कि सारा दोष छोटी बहू को दिया जाए। देव, तुम तो रोहन के दोस्त हो ना, और हम दोनों का बराबर का ही मान करते हो, तो बताओ पद्मा जो छोटी बहू के साथ बर्ताव कर रही है क्या वो सही है? बोलो देव। माफ कीजिएगा बड़ी माँ, यहाँ छोटी माँ ठीक। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन अब रोहन को राधिका से बहुत देर दूर नहीं रख पाओगी तुम। शाम को घर में मुंह दिखाई की रस्म रखी है मैंने। क्या? पर जीजी, ये समय कोई रस्में निभाने का नहीं है। तुम दोनों की भावनाओं से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है बाबूजी की इच्छा का मान करना। पर बड़ी मां, आप तो जानती हैं, डॉक्टर ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है हम उसे नहीं बता सकते, उसे उसकी दुनिया में ही रहने देना होगा जिसमें वो रह रहा है, बचपन की दुनिया में। नहीं तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। उसकी शादी हुई है, ये हम रोहन को कैसे बताएं? रस्मों में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि उसे बताया जाए ये रस्में उसकी शादी की है। उसकी मौजूदगी काफी। आप कुछ भी कहिए जी।
मेरा रोहन शादी के बाद वाली किसी भी रस्म में शामिल नहीं होगा। और मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। दिखाई आज शाम को? अरे नहीं नहीं, वो तो एक्सीडेंट के बाद भी सासू माँ ने सारी रस्में रखी हैं। तो आज तुम शाम को आ रही हो ना? अच्छा, बोलो भला, अब हम क्या जाने क्यों हो रही है ये मुँह दिखाई? जैसा इस घर में सब कुछ हमें पूछ कर ही होता। पर ही विदा होते रहते हैं। फिर वहां वो सासू माँ, पता नहीं क्यों जब देखो तब वो छोटी बहू की तारीफ करती रहती है। जाने क्यों उसे अपने सर पे बिठा के रखा, कहती है छोटी बहू अब तुम इस घर में आ गई हो, देखना अब सब कुछ धीरे धीरे अच्छा अच्छा हो जाएगा। छोटी बहू ना हुई, अलादीन का चिराग हो गई। हम तो बस इस घर में खोते ही जा रहे हैं। अरे कम से कम हमारे कदम तो अशुभ नहीं है ना? जब से वो इस घर में आई है तब से क्या क्या नहीं हो रहा देखो तो। अरे ये हमने क्या भूल दी? नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं भूलना चाहिए। पर छोटी माँ छोटी बहू से नाराज है ये अच्छा ही है हमारे लिए। अरे कम से कम हमारी कदर तो और बढ़ेगी। आज तक इस घर में जो भी कुछ हुआ हमारी पसंद का और हमारी मर्जी का ही हुआ। बेचारी राधिका, अब देखो ना पूजा करने के लिए भी उसको इस घर से बाहर जाना पड़ता है। बोलो भला ये भी कोई बात हुई? रोहन बाबू के होश में आने से आस्था की एक किरण जागी थी कान्हा, पर इस हालत में वो मेरी सच्चाई सबको कैसे बताएंगी? अगर छोटी माँ मुझे उनके सामने आने से रोकेंगी तो मैं उन्हें स्वस्थ कैसे करूंगी? कान्हा मुझे शक्ति दो कान्हा, ताकि मैं छोटी माँ की नफरत को प्यार में बदल सकूं। मेरी मदद करोगे ना काना? काना इस घर में तुम्हारे मंदिर के किवाड़ बंद हैं। क्या इसी वजह से इस परिवार पर इतने संकट आ रहे हैं? छोटी बहुरानी, बड़ी मालकिन आपको बुलाए रही है। वो शाम को आपकी मुंह दिखाई है ना, उसी की तैयारियां करनी है। जी आप चलिए मैं आती हूँ। हर रस मैं अपने कृष्ण कन्हैया की ब्याहता के रूप में पूरी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ फेरे मेरे कृष्ण कन्हैया के साथ ही हुए थे। जैसे रोहन बाबू के साथ हुई हर रस्म अधूरी छूट गई थी, मेरे कृष्ण कन्हैया के साथ हर रस्म पूरी होगी। मुझे आशीर्वाद दो काना।